दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने ईमेल भेज दी लेकिन भेजने के बाद आपको पता चला कि यार आपने तो गलत इंसान को ईमेल भेज दी है, या आपको करना था सिर्फ 1% को रिप्लाई और आपने दबा दिया रिप्लाई टू ऑल का बटन? घबराइए मत, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जीमेल से भेजी हुई ईमेल को आप किस तरह से वापस बुला सकते हैं। दोस्तों, आई एम विभोर फ्रॉम टेक एंड गैजेट्स और मेरा उद्देश्य है आपके लिए टेक्नोलॉजी को सुपर सुपर सिंपल करना, और इसलिए मैं आपके लिए लाता रहता हूँ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के टिप्स एंड ट्रिक्स। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में और आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। तो बिना देर किए चलते हैं आज के वीडियो में और देखते हैं कंप्यूटर में कैसे कर सकते हैं हम जीमेल की मेल को अनसेंड। तो दोस्तों, इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए आपको जीमेल पे जाना होगा, गियर आइकन पे, ये सेटिंग्स पे जो टॉप राइट कॉर्नर पे होगा। आप सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो अंदर आपको जाना है अनडू सेंड वाले सेक्शन में। बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे यहाँ पे सेंड पीरियड है 5 सेकंड्स का, यानी कि जब आप ईमेल भेजेंगे आपके पास 5 सेकंड का टाइम होगा उस ईमेल को वापस लेने का। तो अगर आप ये 5 सेकंड को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड करने की। मैं मैक्सिमम जनरली 30 सेकंड का कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जीमेल जैसे ही मेल को सेंड करेगा वो 30 सेकंड को उसके लिए उसको होल्ड करके रखेगा और 30 सेकंड तक वो सेंडर को ईमेल नहीं भेजेगा। आपको जितना भी ये टाइम रखना है उसने यहाँ पर टाइम रख के आप इसको नीचे आकर के कर देंगे सेव चेंजेस। जब आप एक बार सेव चेंजेस कर देंगे, अब आपको ये टेस्ट करना है कि क्या ये आपका फीचर सही से चल रहा है या नहीं। इसके लिए आप दोस्तों क्लिक कीजिए कंपोज पे। कंपोज पे जाने के बाद जब आप न्यू मैसेज विंडो पर आएंगे तो आप मेल एड्रेस डालेंगे कोई जिस पर आप मेल करना चाहते हैं, और सब्जेक्ट डाल करके जब भी आप मेल करेंगे और आप सेंड का बटन दबाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक नीचे आएगा मैसेज सेंड, लेकिन आपके पास अंडू का ऑप्शन है यहाँ पे जो 30 सेकंड तक रहेगा। अगर आपने ये 30 सेकंड तक अंडू कर दिया तो आपका मेल मैसेज वापस आ जाएगा। अब जैसे मैं इसको अंडू करता हूँ तो ये वहाँ से आपको मैसेज आ जाएगा कि मेल वापस ले ली गई है, आप सेंडर के मेल बॉक्स में ये मेल नहीं है, सेंडर के मेल बॉक्स के पास मेल नहीं गई। आपको लगा कि नहीं यार ये तो ईमेल maheshwari-v पे नहीं भेजना था, मैंने गलती कर दी है, ये मेरे को जाना चाहिए था किसी और मेल आईडी पे। अब आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो भी मेल आईडी करना चाहते हैं उस मेल आईडी को करके दोबारा इस मेल को सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा एक तरीका जिससे आप बेसिकली मैनेज कर सकते हैं जीमेल की मेल्स को। अगर आपने वो सेंड कर दिए आप उनको वापस मंगा सकते हैं, लेकिन उसी पीरियड के अंदर जो पीरियड आपने डिफाइन कर रखा है 5 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक। इस टाइप के टिप्स दोस्तों मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं दोबारा मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।